नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। इस खबर के प्रायोजक है मजबूत इरादा मजबूत वादा, लाला प्रधान है बेहतर ज्यादा। लाला प्रधान जिला पंचायत सदस्य बसपा प्रत्याशी वार्ड नंबर 18 बुलंदशहर को अपना कीमती वोट देकर विजय बनाए। मोहम्मद इकरार आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी वार्ड नंबर 8 जिला पंचायत सदस्य। जन जन की यही पुकार, मोहम्मद इकरार अब की बार। मोहम्मद इकरार को जिताना है, क्षेत्र में विकास कराना है। मोहम्मद इकरार को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाए। समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य अमर यादव से खास बातचीत। गोंडा जिले के विकास खंड बवनजोत तृतीय से समाजवादी पार्टी द्वारा समर्थित प्रत्याशी अमर यादव से खास कार्यक्रम कौन बनेगा गांव का सरपंच के कार्यक्रम में बातचीत के अंश। उत्तर प्रदेश के गोंडा से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जन जन की यही पुकार, हसमुद्दीन खान अब की बार। हसमुद्दीन खान जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 5 भाजपा प्रत्याशी निवासी मकरंदपुर पूरनपुर पीलीभीत को अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाए। खास कार्यक्रम है कौन बनेगा गांव का सरपंच, उसी में आज हम गोंडा जिले के विकास खंड बवनजोत में आए हुए हैं और यहां पे एक हमारे सामने जिला पंचायत प्रत्याशी हैं जिनसे हम उनके बारे में रूबरू होंगे, जानकारी लेंगे पंचायत चुनाव के बारे में। भाई साहब अपना नाम और परिचय देते हुए जानकारी दीजिए। मेरा नाम अमर यादव है, मैं बावन भवन ज्योत तृतीय से समाजवादी समर्थित उम्मीदवार हूँ और मेरा घर इस्लामपुर पोखराव में पड़ता है। जी जी, एजुकेशन आपका क्या है? मैं लखनऊ में हॉस्टल में रहकर अपना पढ़ाई किया हूँ। मैं 12th बाद बीबीडी में IMBA कर रहा था, एक्सीडेंट के कारण मुझे कोर्स ड्रॉप करना पड़ा। मैंने BA का फॉर्म डाला है और मेरा BA चल रहा है। चलिए ठीक है, आप एजुकेटेड हैं और एजुकेटेड होना भी चाहिए। ये बताइए कि आप ये जो मैदान में आए हैं चुनाव मैदान, पहली बार आए हैं या? ये हमारा पहली बार चुनाव है, हमारा पहला चुनाव है। अच्छा जी, तो किस तरह लग रहा है ये आपको? देखिए, मैं राजनीति इसलिए करने निकला क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग, मैं इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो नेता थे, जो राजनेता हैं इस एरिया के, उनमें मैं देखा कि वो लोगों के विकास के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं चाहता हूँ लोगों के लिए विकास की लड़ाई लड़ी जाए। जैसा कि अभी आप हाल ही में देखे होंगे कि गोर्रा के आसपास गेहूं का फसल जो जला, करीब फायर ब्रिगेड ना होने की वजह से काफी नुकसान हुआ, करीब हजारों बीघे के ऊपर फसल जल गई। तो ये सब मुद्दे हम लोग लेकर जनता के पास जा रहे हैं और हम लोगों का मानना है, हम लोग इसकी किसानों की लड़ाई भी लड़ेंगे क्योंकि कहीं भी आग लग जाती है तो हमें मनकापुर से गाड़ी बुलानी पड़ती है। हम लोग चाहते हैं कि ब्लॉक में एक रहे। अब किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं समाजवादी पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी घोषित करके बवनजोत तृतीय से उतारा और मैं पार्टी के पूरे सम्मान को बचाने की कोशिश में हूँ और अपने पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहा हूँ। जी, और इसमें विपक्ष का काफी वो हो रहा है लेकिन फिर भी। चलिए ठीक है, आपका जो मतलब एक मुद्दा है, उद्देश्य है चुनाव लड़ने का कि मैं अपने क्षेत्र का विकास करूँ, तो उसमें विकास होना चाहिए लेकिन असर होता यह है कि लोग चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद में भूल जाते, कहीं ऐसा तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं, हम लोग जब शुरू में कंपेनिंग कर रहे थे, आज मैं 3 साल से लगातार जिला पंचायत क्षेत्र में चल रहा हूँ और जब क्षेत्र का प्रसाद साथ आ रही है, जनता जुड़ रही है। आपका चुनाव निशान क्या है? हमारा चुनाव निशान है कलम और दवा, चार नंबर वाले खाने पर कलम और दवा आता है। ठीक है, आप क्या चैनल को करेंगे या पब्लिक चैनल के माध्यम से पब्लिक को क्या बताएंगे? मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारी बात को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की और मैं आपको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप क्षेत्र का विकास चाहते हैं, क्षेत्र की मान सम्मान को बचाना चाहते हैं, तो जो धन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उनको समझने की कोशिश करिए। जो आपके लिए चुनाव लड़ रहा है, जो जनता के लिए लड़ रहा है, उसको भी समझने की कोशिश करिए क्योंकि और लोग हैं, प्रत्याशी हैं, जाते हैं, वो खूब झूठे वादे करके आ रहे हैं, जीतने के चुनाव जीतने के बाद उस क्षेत्र में हाल चाल तक नहीं लेने जा रहे हैं।
लेकिन हम लोग आज लगातार 3 साल से क्षेत्र में बने हुए हैं, लगातार चल रहे हैं, लगातार लोगों की सुन रहे हैं, लगातार लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हम लोग कर पा रहे हैं कर रहे हैं। तो लोगों से यही अपील है कि 4 नंबर वाले आने वाले 19 तारीख को बढ़ चढ़ कर मतदान करें और बड़े बुजुर्ग जो घर से नहीं निकल पाए उनको ले जाकर वोट डलाएं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।